एग्जाम्पल नंबर सेवन टिक मारो, एग्जाम्पल नंबर सेवन, एग्जाम्पल नंबर सेवन मारा टिक। हाँ सर, उसके नीचे एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर एट, उसको भी टिक मारो। ठीक है, पेज आगे पलटाएगा 158 में। एग्जाम्पल नंबर नाइन टिक मारेगा उसको। एग्जाम्पल नंबर नाइन, उसको भी टिक मारेगा। अच्छा उसके आगे, हाँ उसके आगे पेज, हाँ वेरी गुड। उसके आगे पेज पलटाएगा, एग्जाम पेज नहीं, उसी में नाइन के नीचे एग्जाम्पल नंबर टेन, उसको भी टिक मारो। और फिर उसके आगे आएगा एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12। टोटल 6 क्वेश्चन हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितना क्वेश्चन हुआ? 6 क्वेश्चन। नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक एग्जाम्पल, ये होमवर्क है। आया बात समझ में? हाँ सर, हाँ हाँ। एग्जाम एक्सरसाइज 5.2 का पहले जो एग्जाम्पल है क्वेश्चंस, एग्जाम्पल नंबर 7 2, एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करना है तुमको, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसको जैसे ही तुम सॉल्व करेगा ना, उसके बाद आना एक्सरसाइज में, उसके बाद आना किसमें? एक्सरसाइज में। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना, तेरे से पक्का सॉल्व हो जाएगा। ये सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसको, उसको अच्छा सॉल्व कर देगा। मतलब ये नहीं है ना कि देख देख के तुम छापेगा, समझ रहा है मेरी बातों को? बताओ सर। लाइव में जितने, हाँ लाइव में जितने बच्चे हैं, समझ रहे हो मेरी बातों को, हम क्या बोल रहे हैं बेटा? अगर हम तुमको सॉल्व करने बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम एग्जाम्पल क्वेश्चन लिए और पेन उठाए, नोट कॉपी लिए और देख देख के छापने लगे। छाप लिए, आप फोटो क्लिक कर लिया, सेंड कर लिए। ऐसा काम करके बहादुर नहीं कहलाओगे, ऐसा काम करोगे तो गधा कहलाओगे, कहलाओगे तुम गधा हो। ठीक है, और हम नहीं चाहते हैं कि तुम गधा कहलाओ। ठीक ना, तुम हो अच्छे बच्चे, और अच्छे बच्चे हो तो बेटा पेन उठाओगे, नोट कॉपी उठाओगे, एक एक क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को पढ़ोगे, समझोगे उसका मीनिंग क्या है, क्या बोल रहा है, फिर सॉल्व करोगे। ठीक ना, कोई भी बच्चे क्या होते हैं ना, क्वेश्चंस लिए धड़ाक सॉल्व करना स्टार्ट, समझते ही नहीं है, फिर आगे जाके फंस जाते हैं, 2 स्टेप 3 स्टेप करते हैं उसके बाद जाके फंस जाते हैं कभी कभी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे ने अच्छे से क्वेश्चन समझा ही नहीं कि क्वेश्चन ने बोल क्या रहा है। क्वेश्चन देखा, सॉल्व करना स्टार्ट, बहुत बच्चे का ऐसा हैबिट होता है, क्वेश्चन मिला नहीं तुरंत सॉल्व कर दिया। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, लाइन तो पढ़ो, क्वेश्चन से बोल क्या रहा है, तुरंत सॉल्व मत करो, पहले पढ़ो। ये हैबिट डाल लो, ये हैबिट तुम डाल लो, मैथमेटिक्स में नहीं, सभी सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स की क्वेश्चन हो या केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो या बायो का क्वेश्चन हो, देखने साथ तुरंत सॉल्व नहीं, पहले उसको एक बार पढ़ो अच्छे से, उसका मीनिंग समझो कि क्वेश्चन से बोल क्या रहा है, मेरे को करना क्या है, फिर जाके सॉल्व करो। समझ पा रहे हो? हाँ सर, वेरी गुड। तो हम उम्मीद करते हैं तुम, और तुमसे उम्मीद भी हम कर सकते हैं कि तुम लोग अच्छे से कर सकते हो, है ना? तुम्हारे पर भरोसा भी है मेरे को, है ना? तुम लोगों पर भरोसा भी है मेरे को कि हाँ तुम लोग अच्छा करेगा, बिल्कुल है, क्योंकि तुम लोग अच्छा कर रहा है ना? और हम चाहेंगे कि तुम लोग घर में बैठो। अब नेटवर्क इशू हो गया है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर अच्छे से दिख नहीं रहा है, लिख रहे हैं तो अच्छे से नहीं, तो क्या कर सकते हैं? मेरी बस की बात नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, तो तुम लोग घर में बैठो, आराम से नोट कॉपी उठाओ, एक एक क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस उठाओ, एक एक करके सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो, और आज रात के पहले 10 बजे के पहले तक सेंड कर दो, ताकि हम भी एक बार देख लेंगे कौन कौन बच्चे सेंड कर रहे हैं, कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हाँ सर, है, हाँ ओके, तो डन, तो हाँ यहीं तक रहने से है।
आज की क्लास क्या किया जाएगा? और कोई क्वेश्चन डाउट चल रहा क्या तुम्हारे मन में? नहीं सौराज, इसी बच्चे के मन में कुछ अच्छा, मेरे को एक चीज तुम लोग बताएगा जितने बच्चे लाइव में हैं, और हम पूछना भी चाहेंगे तुम लोगों से, क्या वेक्टर्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये हार्ड लग रहा है क्या, टफ लग रहा है क्या? नहीं, मैसेज भी करके रिप्लाई दे सकता है मीडियम, थोड़ा मीडियम लग रहा है, ठीक, थोड़ा थोड़ा हाथ लग रहा है, ठीक, उस बच्चे का मैसेज भी आ रहा है, सही है, अच्छा है, ठीक, वेरी गुड। देखो वेक्टर्स जो है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी किसी किसी बच्चे को बेसिक ये सब अच्छे से नहीं है, उसको हार्ड लगने लगता है, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, ठीक ना। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चैप्टर को अच्छा करने का। एक मात्र सॉल्यूशन है कि तुम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा करो, फिर आके क्वेश्चन जो भी तुमको हम सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को तुम देखो, घर में खुद से उसको लगाओ, खुद से दो चार क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, जो एग्जाम्पल दिया तो खुद से करो। जब खुद से सब चीज करेगा ना, तो तेरे को ऑटोमेटिक है तेरे को सब चीज समझ में आने लगेगा। सिर्फ हम करके दे देंगे और तुम मेरे पर भरोसा हो जाएगा, तुम मेरे पर डिपेंड हो जाओगे, तब तो फिर बेटा तुम गए। मेरे पर डिपेंड मत हो जाओ, मेरे पर डिपेंड हो रहो, लेकिन इतना भी डिपेंड नहीं हो जाना है ना कि सब चीज सर करेंगे, नहीं, सब चीज सर नहीं करेंगे। सर हमको बता दिए, सर हमको समझा दिए, सर दो क्वेश्चन बताए, तीन क्वेश्चन बताए, तो तुम्हारा भी कर्तव्य है, तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम भी दो क्वेश्चन बनाओ। ऐसा नहीं है कि सर से ही टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व करवा के ले रहे हैं, इससे तुम्हारा क्या बेनिफिट होगा बेटा? अपना बेनिफिट, अपने बेनिफिट के बारे में सोचो, तेरा क्या बेनिफिट होगा? हम सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अपने से सॉल्व अगर दो क्वेश्चन कर रहा है तो वो अच्छी बात है ना। जैसे हम कोई भी दो क्वेश्चन है हम तुमको नहीं सॉल्व किए, तुम खुद से सॉल्व कर दिया, तो कितनी अच्छी बात है। जो तुमको थ्योरी पढ़ाया गया, जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर तुम उस क्वेश्चन को खुद से लगा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे कि जितने बच्चे हैं, ठीक ना, प्रॉब्लम होगा तो हम फिर बताएंगे, ऐसा हम कभी भी नहीं बोलते कि हम तुमको नहीं सॉल्व करके देंगे, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तुम जितना क्वेश्चन बोलेगा ना, सर मेरे को ये क्वेश्चन डाउट है, 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, सब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक ना। लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे पहले तुम खुद से ट्राई कर, खुद से सारा कॉन्सेप्ट तेरे को सिखा चुके हैं, सारा फॉर्मूला बता चुके हैं, उस पर बेस हम लोग एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, पीछे एग्जाम्पल क्वेश्चन भी दिया हुआ है तेरे को सॉल्व करके, तो अब तुम खुद से ट्राई कर, तेरे से सॉल्व होता है कि नहीं होता, ठीक है? ठीक, तो चलो बेटा यहीं तक रहने देते हैं, टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, बैठ के तुम लोग पढ़ो, ठीक ना। कल देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट क्लास, तो हम नेटवर्क इश्यू होते क्या करेंगे, ठीक है? तो आओ बेटा कल देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्लास, बाय सर। ठीक है, ठीक है, बाय। पढ़ो आज थोड़ा कम पढ़ो, क्या किया जाएगा बेटा, बाय सर।